नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक ICR, BHO, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास में 100 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूँ की फसल में मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल शाकनाशी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 16 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या 20 से 25 ग्राम पर हेक्टेयर, या 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 से 5 ग्राम पर हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य के द्वारा खरपतवारों का नई जगह में फैलाव क्या कहलाता है? एनेमो चोरी, या मायरमे को चोरी, या ऑटो चोरी, या एंथ्रो को चोरी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य के द्वारा खरपतवारों का नई जगह में जो फैलाव होता है, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपो चोरी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपो चोरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? कीटों के द्वारा, रोगों के द्वारा, चूहों के द्वारा, या खरपतवार द्वारा। तो फसलों की उपज का सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, वो होता है खरपतवारों द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, खरपतवारों के द्वारा जो नुकसान होता है 33.34% होता है। ठीक है, अगर कीट की बात करें तो कीटों के द्वारा 26% तक नुकसान होता है। बाकी व्याधियाँ जो रोग लगते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 20.24% तक नुकसान पहुँचता है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया पंचपदरा बाड़मेर में, बस्सी जयपुर, या डीडवाना नागौर, या लूणकरण सर बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देश का प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन जो किया गया, ये लूणकरण सर बीकानेर के अंदर किया गया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किसी कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, वह जोत क्या कहलाता है? लघु जोत, मध्यम जोत, सीमांत जोत, या बृहद जोत। तो यदि किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो उसको हम कहते हैं सीमांत जोत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, बत्तख उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या कपास उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति के बारे में यहाँ जिक्र की गई है, तो यहाँ पर दूध उत्पादन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित दुग्ध उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2015 से कृषि की मुख्यतः सभी योजनाओं में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? 100% केंद्र, 90:10, 75:25, या 60:40। तो पहले आपको ध्यान देना केंद्र का कितना है, उसके बाद आप बताएंगे यहाँ कि राज्य का कितना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, केंद्र का हो जाएगा 60 और राज्य का हो जाएगा 40, यानी कि 60:40। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बूंद बूंद सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, में दाब रहता है, कितना दाब रहता है? 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2 से 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, या 10 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1 से 2 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है, जेट्रोफा उत्पादन से है, या खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है, वो किससे हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन देखना है तो यहाँ ए ऑप्शन है, खरीफ फसल में 2%, ये एकदम राइट है, असत्य ढूंढना है इसमें, ठीक है, ये ध्यान दें। रवि फसल में 1.5%, ये भी सही है, दो ऑप्शन और हैं, देख लेते हैं कौन सा असत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन है, जायद फसल में 3%, यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बागवानी में 5%, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन असत्य पूछा था, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जायद फसल में 3% नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, बागवानी फसलों में 5% होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2014 में, फरवरी 2015 में, फरवरी 2016 में या फरवरी 2017 में? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी फरवरी 2015 में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, शहरी क्षेत्र के पास उद्यान लगाने की सर्वोत्तम विधि है आयताकार, वर्गाकार, हेक्सागोनल या क्यूनकॉन्स? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं शहरी क्षेत्र में ज़मीन कम होती है और उत्पादन अधिक लेना रहता है, तो वहाँ पर क्या हेक्सागोनल विधि का प्रयोग करते हैं, सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी शहरी क्षेत्रों के लिए हेक्सागोनल, अगर यही ग्रामीण क्षेत्र पूछता तो उसके लिए वर्गाकार विधि आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, हेक्सागोनल में पौधों की संख्या अधिक लगती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, लैटिन, अरबी या ए और बी दोनों सही? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि पोमोलॉजी दो शब्दों से मिला है, पोमो प्लस लॉजी, पोमो जो कि ग्रीक शब्द है और लॉजी जो है लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसलिए ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 21 मार्च को, 30 मार्च को या 5 जून को? इजी क्वेश्चन है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है बीज सूचकांक कहलाता है, सीड इंडेक्स कहलाता है, कितने बीज हों और बीजों का भार जो होता है उसमें व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए 1000 बीजों का भार को सीड इंडेक्स कहते हैं, या 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है, या 25 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है, या 250 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है, तो इसमें से बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 100 बीजों को भार जो होता है वो हमारा सीड इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, रसायनों का सिंचाई के साथ देना कहलाता है, अगर कोई रसायन है उसको सिंचाई के साथ हम दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? केमिगेशन कहते हैं, हर्बिगेशन कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केमिगेशन कहते हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो केमिगेशन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, देश में प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? पांडिचेरी, राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 17 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, पांडिचेरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको कहा जाता है कब घोषित किए जाते हैं? फसल काटने के बाद, फसल बोने के बाद, फसल काटने से पहले या फसल बोने के पहले? तो MSP कब घोषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, फसल बोने के पहले, ठीक है, फसल की जो बुआई करते हैं उससे पहले MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखेंगे, फसल बोने के पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है ट्राइकोडर्मा क्या है? लाभदायक कीट है, लाभदायक फफूंद है, जैविक कवकनाशी है या बी और सी दोनों सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लाभदायक फफूंद होता है ट्राइकोडर्मा, और सी है जैविक कवकनाशी भी होता है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबाथ, आइसोटेक, आइसोहेट या आइसोहेल? तो समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको किस नाम से जानते हैं? आइसोहेट के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उद्यान विज्ञान का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम जिसको MIDH कहा जाता है कब शुरू हुआ? 2005, 2009, 2014, 2017?
तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2014 में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, मौसम, जलवायु या बायोस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौसम कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR स्थित है, नई दिल्ली 1905, नई दिल्ली 1929, बेंगलोर 1901 या हैदराबाद 1929। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली 1929, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ पर स्थित है, जिसको DPPQS कहा जाता है, नई दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबाद या कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फरीदाबाद में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है, गंधक का तेजाब 0.3%, हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक अम्ल 0.1%, गंधक का तेजाब 0.1% या गंधक तेजाब 0.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गंधक का तेजाब 0.1%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 40 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु DAP की ज़रूरत होगी 200 किलोग्राम, 222 किलोग्राम, 230 किलोग्राम, 240 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 222 किलोग्राम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण के पश्चात शाकनाशी कौन सा प्रयोग करते हैं, इमीजा, थापिर या पेंडीमेथिलीन या एलाक्लो या फ्लूक्लोरोलीन। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा इमीजा थापिर, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है, हर्बिगेशन कहलाती है, फर्टिगेशन या केमिगेशन। केमिगेशन ये तो होगा नहीं, पीछे पड़ चुके हैं, जो केमिकल का प्रयोग करेंगे सिंचाई के साथ उसको केमिगेशन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, फर्टिगेशन कहा जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं इसमें सिंचाई के साथ, फर्टिगेशन कहलाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है फसलों में लोह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है, नई व ऊपर की पत्तियों पर, पुरानी व नीचे की पत्तियों पर, सबसे निचली पत्तियों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी फसल में लोह पोषक तत्व की कमी है तो सबसे पहले जो नई और ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उस पर दिखाई देता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, दक्षिणी पूर्व राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ के सीजन में जो सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है फसल वो सोयाबीन उगाई जाती है। उसके बाद चलते हैं कैट फेस एक विकार है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैट फेस, तो किस सब्जी से संबंधित है, भिंडी, टमाटर, फूलगोभी, प्याज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टमाटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है, बेंगलोर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 एगमार्क कानून कब बनाया गया था, 1937 में, 1955 में, 1975, 1986। इसका राइट आंसर हो जाएगा एगमार्क कानून बनाया गया था 1937 में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 बकरी की रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है, जमुनापारी, बर्बरी, बीटल या मारवाड़ी। तो बर्बरी की रोमन नाक जो फेमस नस्ल हो जाएगी वो जमुनापारी, ठीक है, इसको तोतापारी के नाम से भी जाना जाता है जमुनापारी को, तो इसकी नाक जो होती है रोमन होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर कह रहा है डैश 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 को रोगनाशक की तरह पशु चिकित्सक में भी काम लिया जाता है,
कौन सा ऐसा तत्व है जिसको रोगनाशक और पशु चिकित्सा दोनों में काम में लेते हैं? बोरिक एसिड, क्लोरोफार्म, अदरक या यूरिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड को रोगनाशक और रोगनाशक की तरह पशु चिकित्सक में भी इसका काम में लेते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। यदि दो सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूँ की किन अवस्थाओं में सिंचाई करना चाहिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है शीर्ष जड़ फुटान व फूल आते समय, शीर्ष जड़ व दाने की दुधिया अवस्था में, या शीर्ष जड़ फुटान अवस्था में, या फुटान अवस्था और दाने की दुधिया अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, शीर्ष जड़ फुटान के समय और फूल आते समय अगर दो सिंचाई उपलब्ध है तो इस समय सिंचाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। खाद, उर्वरकों और भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरकता क्या कहलाती है? प्राकृतिक उर्वरकता, उपार्जित उर्वरकता, उर्वरकता या भूमि उत्पादकता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उपार्जित उर्वरकता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ओरोबंकी खरपतवार का संबंध है गेहूं चना से, बाजरा मक्का से, सरसों तंबाकू से, कपास और बरसीम से। तो ओरोबंकी जो खरपतवार है इसका संबंध हो जाएगा सरसों और तंबाकू से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? फारेनहाइट में बताना है। 98.2 डिग्री फारेनहाइट, 102 डिग्री फारेनहाइट, 65 डिग्री फारेनहाइट, 106 डिग्री फारेनहाइट। तो मुर्गी का टेम्परेचर जो होता है हाईएस्ट होता है, सबसे अधिक होता है, तो इसका होता है 106 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं, बीफ कहते हैं, पोर्क कहते हैं या मटन कहते हैं? तो दोस्तों भेड़ के जो मीट को कहा जाता है मटन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? यहाँ पर कमी पूछ रहा है, ना कि अधिकता पूछ रहा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में। लोहा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लोह तत्व की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गर्भर विधि का उपयोग किसके परीक्षण के लिए करते हैं? गर्भर विधि से क्या अम्लता मापते हैं, क्या विटामिन की जाँच करते हैं, क्या प्रोटीन जाँचते हैं, क्या वसा जांचते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, वसा परीक्षण में ही गर्भर विधि का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। गाय के दुग्ध सिराओं में क्या होता है? दूध होता है, पानी होता है, खून होता है, या दूध और खून दोनों होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, खून होता है। ठीक है, ना कि आप दूध लगाइएगा। तो गाय के दुग्ध सिराएँ जो होती हैं उसके अंदर ब्लड होता है, खून होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम तक होता है? 160, 190, 170, 210? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 170 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? यहाँ पर मक्का की संकर किस्म बताना है आपको, गंगावन, किसान, अंबर, विक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगावन, ये मक्का की संकर किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है डैश 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 का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिटोरियम टिटोरियस, ये आपको बताना है। कार्थेमस टिटोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है, तिल का है, सूर्यमुखी का है, तारामीरा का है या कुसुम का है? तो वैज्ञानिक नाम ये हो जाएगा कुसुम का वैज्ञानिक नाम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है 300 ppm, 30 ppm, 3 ppm या 0.03 ppm? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहा है, वो भी सांद्रता में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300 ppm। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण की बात कर रहा है, ना कि मृदा के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। शुष्क खेती की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा होती है, कौन से क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है जहाँ कितनी वर्षा अगर हो तो शुष्क खेती कहलाएगी? 1000 mm, 750 से 1000 mm, 750 से कम या 750 mm से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क खेती कहा जाता है। ठीक है,
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या होता है। चलिए देख लेते हैं इसबगोल का बॉटनिकल नेम के बारे में। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं, केसिया, आस्टिफोलिया, प्लेटेगो ओवेटा, क्लोरोफिटम, बोरीविलियनम और टीनोस्पोरियम कार्डिफोलियम। तो इसका वैज्ञानिक नाम बताना है इसबगोल का, इसमें से बताइए कौन सा इसबगोल का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लेटेगो ओवेटा, ये होता है इसबगोल का बॉटनिकल नेम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, जेलीमीटर या जेल मीटर, लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो पेक्टिन का अगर परीक्षण करना है तो हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, जेल मीटर का प्रयोग करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड या 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर कौन से पोषक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हैं, द्वितीयक हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या लाभदायक पोषक तत्व हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। प्राथमिक में कौन से आते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, और सीएचओ भी आ जाता है इसमें प्राथमिक में ही इसको, बाकी इसके अलावा जो भी होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, 53 नंबर क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ चुका है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है, सिंधु ये काम की सीडलेस वैरायटी है, इसका क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में हुआ है, दशहरी क्रॉस नीलम, अल्फांसो क्रॉस नीलम, नीलम क्रॉस दशहरी या रत्ना क्रॉस अल्फांसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्ना और क्रॉस अल्फांसो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, आचार में परिरक्षण हेतु नमक का प्रतिशत होता है 1 से 5, 15 से 20, 5 से 10 या 20 से 25। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 15 से 20%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल की होती है, जर्सी, होलस्टीन फ्रीजियन, गिर या राठी। तो सबसे भारी नस्ल पूछ रहा है यहाँ पर गाय की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होलस्टीन फ्रीजियन जो है ये सबसे भारी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56, 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन करें अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है, अंडा उत्पादन में पूछ रहा है, तो रोड आयरलैंड रेड, फ्लाई माउथ रॉक, रेड कार्निस या वाइट लेग हॉर्न। तो अंडा उत्पादन सबसे ज़्यादा जो करती है वो वाइट लेग हॉर्न करती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, शारीरिक से, खुर देखकर, सींग देखकर, दांतों को देखकर। तो पशुओं की आयु अगर ज्ञात करना है तो सबसे अच्छा तरीका है दांतों के द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58, 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है गर्भर विधि से वसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है, 10 ml, 10.25 ml या 10.75 ml या 11 ml। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 10.75 ml प्रयोग लेते हैं, ठीक है, अगर गर्भर विधि से वसा फैट की मात्रा ज्ञात करना है तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है, अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल या लाइसोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरंडी का तेल जो होता है मृदु रेचक होता है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेंडीमिथैलिन का उपयोग कैसे किया जाता है, निर्गमन पूर्ण या निर्गमोत्तर या प्रारंभिक निर्गमोत्तर या निर्गमतोर देरी से, लेट पोस्ट इमरजेंस। तो किस प्रकार का है, प्री इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस है या अर्ली पोस्ट इमरजेंस है या लेट पोस्ट इमरजेंस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्री इमरजेंस है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, क्वेश्चन नंबर 61 स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा मोथे का प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा, भूमिगत तना, पत्ती या प्रकंद। तो मोथे का जो प्रवर्धन होता है वो भूमिगत तना के द्वारा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में हुई 1905 में, 1911 में, 1936 में, 1929 में।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, 1905 में हुई थी। यहाँ देख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI मूल रूप से स्थापना इसकी 1905 में हुई थी। एक अमेरिकी समाज सेवक जिसका नाम था मी हेनरी, ठीक है, फिलिप्स के द्वारा किया गया था। इसमें 30,000 पाउंड के सहयोग से फिप्स प्रयोगशाला के नाम से पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, तिल फसल किस कुल से संबंधित है, एस्टरेसी, यूफोरबियेसी, पेंडालियेसी या फेबेसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पेंडालियेसी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक किसान एक हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोण विधि से लगाना चाहता है, यदि आम के पौधों की दूरी 8x8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की कुल संख्या कितनी होगी, 277, 256, 156 या 246। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 156, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म है, अनानास की, केला की, ऑरेंज की, स्वीट ऑरेंज की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 65 का डी ऑप्शन, स्वीट ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 66 आ चुका है, जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व सहयोग का विज्ञान क्या कहलाता है, एनिम्स कहलाता है, वेटरनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी साइंस। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। इसके अंदर पशुओं का पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, ब्रीडिंग संबंधित ज्ञान, ठीक है, और इसके उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है, दुग्ध उत्पादन है, प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो इन सब का अध्ययन जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके दूध में वसा प्रतिशत पाई जाती है, तो सर्वाधिक वसा प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पर किसके दूध में पाई जाती है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैंस, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दूध में सर्वाधिक वसा जो पाई जाती है वो पाया जाता है किसके अंदर, भैंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, याक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खरगोश से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, बैक्टीरियन ऊंट में होता है, एक कुबड़ होता है, दो कुबड़ होता है, चार कुबड़ या कुबड़ नहीं होता है। तो बैक्टीरियन जो ऊंट जो होते हैं उसके अंदर कुबड़ जो की मात्रा जो पाई जाती है दो कुबड़ होते हैं, बाकी जो भारतीय ऊंट जो होते हैं, रेगिस्तानी ऊंट जो होते हैं, ये इसमें इसके अंदर एक कुबड़ पाए जाते हैं, ठीक है, ये लद्दाख के अंदर देखने को मिलते हैं दो कुबड़ वाले। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है, खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, तपेदिक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, तपेदिक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, निम्न में से कौन सा मैच गलत है, ठीक है, इसमें से बताना कौन सा मैच गलत है। देखते हैं, पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज एवाटा होता है, स्वीटकॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज इंडियन टाटा होता है, या पॉडकॉर्न का जियामेज ट्यूनिकेटा होता है, या फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज इमाइले सिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, ये मैच नहीं खा रहा, स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज इंडियन टाटा नहीं होता है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ऑल इंडिया सॉयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में या नागपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर के अंदर स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो ऐसी है जो कि कृषि की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, सभी एग्जामों में काम आने वाली है, ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर है, ये जिसको कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किस फल से संबंधित है, किन्नों से, अंगूर से, खजूर से या आंवला से, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ये अंगूर से संबंधित फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, बरखा किस्म किसकी है, मूंग की है, मोट की है, उड़द की, चौला की है।
तो ये जो किस्म हो जाएगी ये हो जाएगी उड़द की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद लट कीट है बाजरा का है, मूंगफली का है, ग्वार का है या उपरोक्त सभी। तो सफ़ेद जो लट जो कीट है ये प्रमुख कीट है सभी का सभी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा को भी नुकसान पहुँचाता है, मूँगफली में और ग्वार में, तीनों में हानि पहुँचाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से नोबल कैन कौन सा है, नोबल कैन का वैज्ञानिक नाम बताना है, सिकेरम बारबरी, सिकेरम मुंजा, सिकेरम ऑप्सिनेरम या सिकेरम साइनेंसिस। तो नोबल कैन का वैज्ञानिक नाम होता है सिकेरम ऑप्सिनेरम, सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, गन्ने की फसल में माथा बांधना जिसको बंची टॉप के नाम से जाना जाता है रोग किससे होता है, पायरीला से होता है, तना छेदक से होता है या ऊपरी प्रारोह छेदक से होता है या जड़ छेदक से होता है। तो गन्ने की फसल में जो बंची टॉप होता है वो किससे होता है, वो हो जाएगा ऊपरी प्रारोह छेदक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, अरुणा किस्म है सरसों की, चना की, सोयाबीन, अरंडी, काफ़ी फेमस किस्म है, ये हो जाएगी सरसों की, ठीक है, अरुणा पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर अरंडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, सूर्यमुखी में प्रोटीन होती है 10, 20, 30 से 35 या 40 से 45। तो सूर्यमुखी के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो 40 से 45% पाई जाती है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक अरुणा होती है एक वरुणा, ठीक है, अरुणा पूछा अरंडी की, वरुणा पूछे सरसों की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है अलसी के तेल में, सोयाबीन के तेल में, सूर्यमुखी के तेल में या मूँगफली के तेल में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो पाया जाता है वो पाया जाएगा अलसी के तेल में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, मिलेम्पसोरा लिनी किसका नाम है, सरसों का कंड रोग का, अलसी का कीट का, या गेहूं के रोली रोग का, या मूंग की पत्ती धब्बा रोग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो अलसी का जो कीट रोग होता है उसका ये वैज्ञानिक नाम होता है मिलेम्पसोरा लिनी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, पूसा कल्याणी किस्म है तारामीरा की, राई की, पीली सरसों की या भूरी सरसों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूरी सरसों की, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सरसों की फसल है, स्वपरागित है, परपरागित है, बहुधा परपरागित है, कोई नहीं है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वपरागित फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, तिल में फाइलोडी रोग होता है कवक के द्वारा, फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो तिल में फाइलोडी जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, पूसा सदाबहार किस्म है, मूंग की है, मोट की है, ग्वार की है, चौला की है। तो पूसा सदाबहार जो किस्म हो जाएगी ये ग्वार की हो जाएगी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, खरपतवार शब्द किसने दिया, आपको बताना है खरपतवार जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, वी डोकुचेव, पीटर ड्रिकेसन जी, जेंथ्रो टूल या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेंथ्रो टूल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जेंथ्रो टूल, जेंथ्रो टूल के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलहन व तिलहन फसलों में मुख्यतः खरपतवार नाशक काम में लेते हैं, पेंडीमिथालिन, प्रोपेनिन, स्टाम 34 या ब्यूटाक्लोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पेंडीमिथालिन का प्रयोग करते हैं दलहन और तिलहन खरपतवार नाशक रूप में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसा खरपतवार नाशक जो फसल बुवाई से पूर्व जिसको PPI कहा जाता है काम में लेते हैं, फसल बुवाई से पूर्व कौन सा खरपतवार नाशक काम में लेते हैं, बेसालिन, एल्ट्राजेन, एलाक्लोर या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, बेसालिन का प्रयोग हम करते हैं बुवाई से पूर्व, ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, किसी स्थान से स्थापित खरपतवारों को पूर्णतः हटाना क्या कहलाता है, कोई स्थान है उस पर खरपतवार है उसको हटा दिए वहाँ से, तो नियंत्रण कहलाएगा, कंट्रोल कहलाएगा या प्रबंधन मैनेजमेंट कहलाएगा या निषेधात्मक कहलाता है या उन्मूलन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उन्मूलन कहलाता है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। एग्रीकल्चर के किसी एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर दें। इजी क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादित नहीं होता है? तो बताना कौन सा उर्वरक ऐसा है जो भारत में उत्पादित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम साइनाइड, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 91 नंबर, कौन सा उर्वरक बुवाई के साथ दिया जाता है? तो बुवाई के साथ जो उर्वरक दिया जाता है वो DAP दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, DAP। क्वेश्चन नंबर 92, खड़ी फसल में उर्वरक देने को क्या कहते हैं? स्थापन कहते हैं, पंक्ति स्थापन कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, स्टार्टर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। खड़ी फसल में अगर उर्वरक दे रहे हैं तो उसको टॉप ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रोपेनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम क्या, ट्रेड नेम पूछ रहा है प्रोपेनिल का। लासो है, स्टाम्प या 34 या स्टाम्प या बेसालीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, स्टाम्प या 34, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा फसल काउ पी के नाम से जानी जाती है? तो विग्ना साइनेंसिस, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विग्ना साइनेंसिस जो है इसको काउ पी के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं, डायथेनियम 45, डायमिथोएट, क्लोरोपाइरीफास या बावस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डायमिथोएट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन, पूसा फाल्गुनी किस्म किसकी है? चावला की है, मसूर की, अलसी की, ग्वार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चावला, पूसा फाल्गुनी के नाम से इसको जानते हैं, चावला की किस्म है, काफ़ी फेमस किस्म है, वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 97, मोठ की बीज दर काम में लेते हैं 15 से 20 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम, 5 से 8 किलोग्राम या 10 से 12 किलोग्राम। तो मोठ जो है दाल वाली क्रॉप है, तो इसका सीड रेट आपको बताना है। तो इसका सीड रेट हो जाएगा यहाँ पर 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98, पूसा कोमल वैरायटी किसकी है? मोठ की है, मूंग की है, चौला की है, अलसी की है? तो पूसा कोमल जो है फेमस वैरायटी है, ये हो जाएगी किसकी? चौला की, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, अर्पणा इसको HFV4 कहा जाता है, ये किस्म किसकी है? मटर की है, मूंग की है, अरंडी की है, मूंगफली की है? तो ये जो किस्म है ये मटर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100, प्रारंभिक अवस्था में चना का मुख्य रोग कौन सा है? झुलसा रोग, ब्लाइट रोग जिसको कहते हैं, छछैया रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, विल्ट है या डाउनी मिल्ड्यू है? तो प्रारंभिक अवस्था में चने का जो मुख्य रोग है वो हो जाएगा यहाँ पर उकठा, विल्ट के नाम से जानते हैं, उकठा रोग, ठीक है। तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विल्ट। दोस्तों आज की वीडियो यहीं हमारी समाप्त हुई, कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।